बिहार टीवी, नई सोच नई दिशा। के आधार पर दो अपराधी को दो देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 बाइक व चोरी के अन्य उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर के छबीलापुर थाना क्षेत्र का है, जहां लूट की योजना बनाने से पहले पुलिस ने अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा के आदेश अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित कर राजगीर के छबीलापुर मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाकर एक बाइक पर 3 अपराधी वाहन जांच को देखकर भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 को खदेड़कर पकड़ा, जबकि 1 अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 होंडा बाइक, 3 मोबाइल एवं चोरी की घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को बरामद किया, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। अपराधियों से पुलिस द्वारा सख्ती से की गई पूछताछ की गई तो उसने गुनाह कबूलते हुए कहा कि सिलौक में अमेजॉन गोदाम से चोरी करने गए थे, तभी पुलिस गश्ती गाड़ी देखकर वहां से फरार हो गए। अपराधी पूर्व में भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तार अपराधियों में गौतम कुमार और छोटू चौहान, जो नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सूचना मिली कि ये लोग कहीं क्राइम करके भाग रहे हैं, तो सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सभी राजगीर की ओर भाग रहे थे लोग, तो सभी नाकों पर चेकिंग लगाई गई, वाहन चेकिंग, जिसके क्रम में पुलिस को देख करके 3 अपराधी थे तो भागने लगे। उसी क्रम में पुलिस ने पीछा करके 2 लोगों को पकड़, एक इसमें से फरार है अभी, उनके लिए छापेमारी की जा रही है और इनके पास से 2 हथियार मिला है, 8 कारतूस है और शकट तोड़ने वाले तमाम इनके पास से हथियार मिले प्राप्त। किस जगह से पकड़ाया? आठ है। किस जगह से पकड़ाया? ये छबीलापुर रोड में। छबीलापुर रोड में जी, छबीलापुर सागर इन होटल के पास से। हमसे जुड़े रहने के लिए और इसी प्रकार की ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।